नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज का वीडियो रेड टू के बारे में, रेड टू जो कि राजकुमार गुप्ता डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट भी शायद 2018 में आया था और काफी बड़ा हिट रहा था, जिसमें जो एसीपी अमन पटनायक जो एक तरीके से इनकम टैक्स IRS ऑफिसर के रोल में अजय देवगन सर थे, और जिस प्रकार से सरदार चंद्र सिंह पे रेड डाली गई थी, सबसे लंबी रेड थी वो भारतीय इतिहास की, और एक टू घटना पर आधारित फिल्म थी। 3 दिन तक रेड चली थी और किस प्रकार से दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग ये फिल्म थी, मजा आया था उस फिल्म में। तो उसका सेकंड पार्ट आ रहा है रेड टू, और ये भी एक टू घटना पर आधारित होगा। आप किस पे रेड डालेंगे तो पता नहीं, लेकिन इसमें जो मुख्य जो विलेन है वो रितेश देशमुख है, ये एंट्री जरूरी यहाँ पे चेंज है। उसमें सौरभ शुक्ला थे, इसमें रितेश देशमुख है, वाणी कपूर है साथ में। तो इसकी शूटिंग दोस्तों कम्प्लीट हो गई है, ये मैं बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है कि इसकी शूटिंग लखनऊ में काफी बड़ा शूटिंग शेड्यूल किया गया है वहाँ पे, और उसके बाद में अब दिल्ली के अंदर फिल्म की शूटिंग होगी। 2-4 दिन की शूटिंग बाकी है केवल, उसके बाद में फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, मतलब इसी महीने में कंप्लीट हो जाएगी अप्रैल में। तो बहुत जल्दी से शूटिंग कंप्लीट कर ली गई है, 6 जनवरी को फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। अब आप देख लो 6 जनवरी से 6 फरवरी, 6 मार्च, 6 अप्रैल, और करीब करीब 4 महीने से भी कम समय में दोस्तों फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली गई है। बहुत तेजी से अजय देवगन सर अक्षय कुमार बनते जा रहे हैं, बहुत तेजी से फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा 15 नवंबर को फिल्म को रिलीज किया जाएगा, ये भी आपको बता दूं। और इसके पहले अजय देवगन सर की 2 फिल्में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक तो जो औरों में कांदम था वो जून या जुलाई में रिलीज होगी, नीरज पांडे की फिल्म है। और इसके अलावा एक फिल्म हो रहेगी आपके सिंघम अगेन, जो पहले 15 अगस्त को आ रही थी, उसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है लेकिन पोस्टपोन हो गई है, वो दिवाली के अवसर पर आएगी। तो ये 2 फिल्में आप और देख सकते हैं। तो देखते हैं, शैतान ब्लॉकबस्टर रही थी, मैदान डिजास्टर रही है, अब ये फिल्में किस प्रकार से बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती है, देखने वाली बात जरूर होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय बोलेनाथ।